सबके जहन में एक ही बात होगी कि हार्दिक पांड्या को कॉन्ट्रैक्ट में क्यों रखा गया जब ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को नहीं रखा गया। तो यहाँ पे एक खुलासा किया बीसीसीआई ऑफिशियल ने ही, और उस रिपोर्ट में पता चला है कि हार्दिक पांड्या से डिस्कस किया गया था कि वो क्या व्हाइट बॉल डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, वो अपनी अवेलेबिलिटी जाहिर करेंगे तभी उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। और हार्दिक पांड्या ने बोला था कि हाँ मैं खेलूंगा, मैं व्हाइट बॉल डोमेस्टिक क्रिकेट खेलूंगा, एंड दैट इज द रीजन कि उनको कॉन्ट्रैक्ट हैंडओवर किया गया, उनको कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनाया है। अब सवाल ये आता है कि किस तरह से खेलेंगे, कैसे खेलेंगे, क्योंकि जिस तरह से हार्दिक पांड्या का स्केड्यूल था लास्ट सीजन में, या फिर आप वर्ल्ड कप के टाइम में बात करो जो इनको इंजरी हुई थी, उस वक्त के अराउंड ही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी चल रही थी, इसलिए वो वहां उसका पार्ट नहीं बन पाए थे बिकॉज ऑफ इंजरी। और इसके साथ ही विजय हजारी ट्रॉफी जो थी, जो दोनों टूर्नामेंट्स होते हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारी ट्रॉफी, व्हाइट बॉल टूर्नामेंट होता है, और उसके अंदर भी वो अवेलेबल नहीं थे, रीजन कि वो इंजर्ड थे। और अब जब क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मिला है, कॉन्ट्रैक्ट में उनका नाम आया, तो सब उनसे पूछ रहे कि वो डोमेस्टिक सर्किट क्यों नहीं खेल रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि अभी क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट हो ही नहीं रहा है डोमेस्टिक सर्किट पे, तो वो कैसे खेलेंगे। अब डीवाई पाटिल जब शुरू हुआ तो उन्होंने डीवाई पाटिल में हिस्सा लिया और वहां पे खेलते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो हार्दिक पांड्या का सिंपल सा फंडा है कि मैं व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलूंगा, उन्होंने अपने आप की अवेलेबिलिटी जाहिर कर दी है वहां पर। और उसके साथ साथ बीसीसीआई की जो मेडिकल टीम है उन्होंने भी कहा है कि हार्दिक पांड्या जो है वो फिट नहीं है 4 डे या 5 डे रेड बॉल क्रिकेट खेलने के लिए, वो इतनी बॉलिंग नहीं कर सकते हैं, उनकी बॉडी जो है इतनी अलाउ नहीं करती है। तो बेसिकली उनका जो फिटनेस है वो व्हाइट बॉल क्रिकेट तक ही सीमित रहेगा, एंड दैट इज़ द रीज़न कि वो भी व्हाइट बॉल क्रिकेट ही खेलना चाहते हैं बिकॉज उनकी बॉडी जो है वो अलाउ नहीं करती है रेड बॉल क्रिकेट खेलने के लिए। तो अब ये सब रीजंस को देखते हुए और ये सब आश्वासन को देखते हुए हार्दिक पांड्या ने जो दिए हैं, इसके चलते बीसीसीआई ने उनको कॉन्ट्रैक्ट में रखा है। लेकिन अगर हार्दिक पांड्या व्हाइट बॉल टूर्नामेंट नहीं खेलते डोमेस्टिक सर्किट के, अपने आप को अवेलेबल नहीं करवाते हैं, अगर वो इंडियन टीम में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर इंडियन टीम के कोई कमिटमेंट चल रही है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो वहाँ पर जाएंगे। लेकिन अगर वो इंडियन टीम का हिस्सा नहीं है उस वक्त पे, और वो इंडियन टीम के लिए नहीं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनको डोमेस्टिक सर्किट में क्रिकेट आकर खेलना पड़ेगा व्हाइट बॉल क्रिकेट। और इसी शर्त पे हार्दिक पांड्या को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, और अगर वो शर्त नहीं मंजूर करते हैं और आगे नहीं मानते हैं, तो उनसे कॉन्ट्रैक्ट छीन भी लिया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट से बाहर भी वो हो सकते हैं। तो ये थी ओवरऑल हार्दिक पांड्या के ऊपर कि क्यों एक्चुअली उनको व्हाइट बॉल क्रिकेट की वजह से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, और रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलने पर उनको क्या बोला गया, ये सब कहानी मेरी जुबानी। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।